पत्रकारों ने भारत रत्न से सम्मानित भारत की महान गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि देने वालों में पत्रकार अरविंद श्रीवास्तव, अनिल गौतम, इलियास खान, दिलीप चैन, संदीप कुमार, लव मिश्रा, हिमांशु शुक्ला, संदीप तिवारी, अल्कमश हुसैन, रामकिशोर उपाध्याय, दुर्गेश कश्यप, मनीष मिश्रा, फयाज खान आदि रहे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष आकाश मिश्रा, कौमर राज गुप्ता, जीतू गुप्ता, मनीष द्विवेदी रहे। इस अवसर पर अरविंद श्रीवास्तव ने लता मंगेशकर जी के जीवन, संघर्ष और उनकी उपलब्धियों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। जैसा कि आप सबको पता है कि लता मंगेशकर जी भारत की सबसे प्रतिष्ठित और अनमोल पार्श्व गायिका थी, जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। लता जी ने 1000 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए हैं। वे 36 से ज्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में देश का सबसे जीवंत गीत ए मेरे वतन के लोगों गाया। इस गाने के बाद नेहरू जी की आंखों से आंसू बह निकले थे और ये गीत इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी ये देशभक्ति का गीत गाया जाता है और हर व्यक्ति की जुबान पर है। कहते हैं कि विदेशी वैज्ञानिकों ने भी कहा था कि ऐसी सुरीली आवाज न किसी की है और न होगी। लता मंगेशकर जी को पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न भी मिल चुका है। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सभी को पता है लता जी के जो गाने थे, हिंदुस्तान के अंदर शायद ऐसा कोई घर होगा, शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने अपनी जिंदगी में उनके गाने को ना गुनगुनाया हो। हजारों सैकड़ों लोगों को उनके गानों से प्रेरणा मिलती थी, हजारों लोगों को तमाम कलाकारों ने जन्म लिया, तमाम अभिनेता को भी उन्होंने तो ठीक नहीं याद है तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। आजादी के बाद 1961 में जब युद्ध हुआ था, उसमें भारत देश के तमाम सपूत, तमाम फौजी शहीद हुए थे और उन शहीदों के सम्मान के लिए लता जी ने गाना बनाया था, गाया था, अरे मेरे वतन के लोगों जरा आंखें भर लो पानी। जब यह गाना पहली बार सुना गया तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आंखों में आंसू आ गए थे और कल एक और सम्मान मिला, भारत रत्न तो थी ही वो, उनके सम्मान में देश के तिरंगे को भी झुका दिया गया।